लेडीज एंड जेंटमैन वेलकम टू दर्टी फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द कैशलेसाइटी तो उसी को इनोवेशन को हम uh, अभी आज डिस्कस करेंगे विद डिट सॉट फ्रॉम द डिजिटल डिवाइड टू इंक्लूसिव इनोवेशन हमने बात की थी केस ऑफ डिजिटल मनी की हमने ये बात की जैसे मैंने एग्जाम्पल दी लास्टली कि चाइना की बात की और मैंने बहुत से और रीजन में भी देखा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैशलेस सोसाइटीज डेवलप होना शुरू होगी लेकिन अभी तक मैंने पाक कहीं और सक्सेसफुल मॉडल नहीं देखा यानी आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ट्रांजेक्शन होना और एक स्कैन के एक सिंगल स्कैन के साथ पैसों का ट्रांसफर होकर आपके पास फौरी रिसिप्ट का आना विदिन पैंकों सेकेंड्स वो वाला मॉडल मैं अब तक खुद से नहीं देख सका इवन अमेरिका में भी मैंने ये मॉडल नहीं देखा आगे देखते हैं कि इनोवेशन इन द सर्विस इन द डिजिटल इकोनॉमी फिर हम कहते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन इन द डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल मनी हेज पोटेंशियल टू रिमूव द फ्रिक्शन इन द ट्रांजेक्शन इंप्रूविंग एंड लुब्रिकेटिंग द फ्लो ऑफ इकोनॉमीज एंड सोशल एक्टिविटीज यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूसिव रिमार्क्स के ऊपर जाएंगे तेजी के साथ क्योंकि हम ये सारी बात कर चुके सर्विस को देख लिया प्रोडक्ट को देख लिया इनोवेशन देख लिया डिजिटल टेक्नोलॉजीज को देख लिया लेकिन डिजाइन को समझने की कोशिश करें जितना विद इन पाइक सेकेंड आपका ट्रांजेक्शन होगा और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पैसे इसने दे दिए दस दस रुपये हो सौ रुपया हो तीन हजार हो फौरी रिसिप्ट मेरे पास आई सिस्टम ने स्कैन किया स्कैन करके आपके पास आ गई बैंक डिटेल मुझे पता चल गई इतनी ट्रांजेक्शन मैंने कर दी इतनी ट्रांजेक्शन हो गई यही जब मैं बिजनेस और स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह करूंगा तो सिस्टमेटिक अप्रोच से मेरे पास चीजें आती रहेंगी इसकी वजह से होगा क्या पोटेंशियल करता है उस पोटेंशियली रिमूव करता है फ्रिक्शन को जो ट्रांजेक्शन में आती है और फिर जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑफ फ्लो अच्छा लुब्रिकेशन जैसे आपके जिसम में जैसे एक शेर था रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं कायल तो से न टपका तो फिर लहू क्या है इसी तरीके से कि अगर मेरी कैश के की लुब्रिकेशन तेज नहीं है और बिजनेस में मुझे के अंदर नहीं आएंगे तो मैं उसको लहू नहीं मानूंगा यानी प्रॉफिट नहीं मानूंगा तो अब यहां समझ आ गई कि हमें केस ऑफ डिजिटल मनी के अंदर आपको बड़े अच्छे से आइडिया आ गया कि हमें डिजिटाइजेशन को कौन कौन से एरियाज के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो डिजिटाइजेशन में जल्दी करे और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए डिजिटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी इज मस्ट एंड इम्पोर्टेंट थैंक यू वेरी मच